हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल से। ये बहुत अच्छी जो है वैकेंसी होने वाली है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई फीस नहीं देनी है, बिना फीस के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रेंड अनट्रेंड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने BEd किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BEd कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, BEd वाले, MEd वाले, BPEd, MPEd, ठीक है, या कोई भी ट्रेंड या अनट्रेंड कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। यहां पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल की, यहाँ पर आपको करियर सेक्शन दिखेगा। करियर सेक्शन में करंट ओपनिंग है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे तो ये जो है पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में वैकेंसी है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 30 अगस्त 2024 है, 6 दिन बाकी है। आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। इसमें कोई फीस भी नहीं देनी है। अगर आप BEd कर रहे हैं या आपने जो है कर लिया है या आप BSTC में आपने एडमिशन लिया है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो अपना केवल डिटेल रिज्यूम जो है इस पर आप लोगों को भेजना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग डिटेल में आप देख सकते हैं DLED, BEd, MEd, BPEd, MPEd, परस्यूंग BEd एंड BPEd। यानी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका जो है पूरा नहीं हुआ है BEd या BPEd, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कहते हैं कि मैम लास्ट ईयर में है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन करना है, ठीक है। या आप अनट्रेंड हैं, कहीं पर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, आप BEd भी नहीं कर रहे हैं, MEd भी नहीं कर रहे हैं, BPEd भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप अनट्रेंड पर जो है क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखें STAT आपने किया है या CTET किया, या आपने नहीं किया है, नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये पूरा फॉर्म है और लिंक पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये पूरा जो है आप लोग फिल कर लेंगे, बस लास्ट में जो है सबमिट कर देना है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, PGT, TGT, PRT, तो ये सभी सब्जेक्ट में है। यानी प्राइमरी टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनमें ये सभी सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, वैल्यू एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन या जनरल अवेयरेंस। तो देख लें आप, इसमें आपका सब्जेक्ट है तो आप देख लें। ग्रेजुएट हैं आप केवल तो PRT के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है, या TGT के लिए अप्लाई कर लें। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इनमें, तो आप PGT के लिए अप्लाई कर लें। बिना BEd के भी अप्लाई कर सकते हैं, BEd कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कर चुके हैं तो अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बस इतना ही कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में है यहाँ पर कि जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन सब्जेक्ट में, कोई भी टीचिंग क्वालिफिकेशन है आपकी अगर, या कोई कहीं पर भी पढ़ाने का आपको जो है अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। CTET, STAT, NET क्वालिफाई अगर हैं तो प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। नॉन टीचिंग पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वैकेंसी है, और टेक्निकल और सपोर्ट में नर्स, कंपाउंडर, बाकी सब, ठीक है। तो ये देख लें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल पूर्णिया, पूर्णिया जो है ये कहाँ है, बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई फीस नहीं है। लास्ट डेट ध्यान में रखनी है 30 अगस्त 2024। अप्लाई करने के लिए बस इस पर क्लिक करना है। वीडियो में हर एक पॉइंट में आप लोगों को क्लियर करती हूँ, ताकि जब आप
अप्लाई करते हैं तो कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। आपको अपना जो है डिटेल रिज्यूम बस इस पर जो है भेजना है, ठीक है। ये पेज ओपन होगा, जिन पर स्टार लगा हुआ है इसे आप जरूर फिल करें। ईमेल आईडी डालनी है, आर यू इंटरेस्टेड, तो आपको चूज करना है यस या नो। ऑफ कोर्स यस ही करेंगे आप, क्योंकि आपको तो अप्लाई करना ही है। यहाँ नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगेन करंट लोकेशन, मेल या फीमेल, एज, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बीए किया है, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, है ना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, बीपीएड, एमपीएड, बीसीए, एमसीए। अब देखिए बहुत सारे जो हैं इसमें है। नेक्स्ट जो है इसमें टीचर ट्रेनिंग डिटेल में आपने जो भी किया है या फिर आप कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है आपको। अगर बीएड बीपीएड आप कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है, या आप ये भी नहीं कर रहे हैं, अनट्रेंड है, केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका कोई क्वालिफाई है तो कर दें, नहीं तो नन पर क्लिक कर दें। डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर, अब किस डिपार्टमेंट के लिए जो आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और भी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिए हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। आराम से भरना है, क्योंकि 6 दिन में जो है आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आप सपोज पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआरटी वाले पे क्लिक करना है आपको। फिर जो है यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस इन ईयर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख दें, 1 साल का, 2 साल का, नहीं है तो यहाँ पर जो है आप 0 लिख दें। एनीथिंग इम्पोर्टेंट यू वुड लाइक टू मैंशन, अगर और भी कुछ आप 1-2 लाइन जो है लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लास्ट में जो है आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पर जो है आ जाएंगे होम पेज पर, करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे, करंट ओपनिंग पर क्लिक करेंगे और ये पूरा पढ़ेंगे, और यहाँ पर अप्लाई करने का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। काफ़ी अच्छी जो है सैलरी ये लोग देंगे, यानी जैसी क्वालिफिकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी भी जो है होगी। तो वैकेंसी थी विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल पूर्णिया, और ये पूर्णिया जो है कहाँ है, बिहार राज्य में है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।